अभी हम जा रहे हैं बटेश्वर घूमने के लिए, और ये पूरा रोड खाली पड़ा है, यहाँ पे कोई नहीं जा रहा था, तो अभी हम लोग यहाँ बैठ गया है। हेलो गाइस, तो अभी हम ये बटेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मंदिर है जी, आप देख सकते हैं, और डेवलपमेंट ऑफ बटेश्वर, और ये इसका सामने जो है ये गेट है, और हमको थोड़ा इधर घूम के जाना पड़ेगा, तो हम चलते हैं, अभी एंट्री देते हैं अंदर। तो ये हम अंदर आ चुके हैं बटेश्वर धाम के अंदर, और यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल दी गई हुई है, और 6 से 9वीं शताब्दी के बीच ये बनाए गए मंदिर हैं, और यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हैं, और ये इधर पूरा ये मंदिर है, और यहाँ से जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, ये आपको जो दिख रहे हैं ये सामने, ये जो बने हुए वो पूरा मंदिर है, और एक दो मंदिर नहीं है यहाँ पर, काफ़ी मंदिरों का निर्माण हुआ है, हम आपको भी ऊपर जाके दिखाते हैं, चलिए हमारे साथ। यहाँ से हम थोड़ा प्रवेश करते हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं ये किस तरह से पत्थर पे जो नक्काशी की गई है, ये आपको आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना देखने को मिलेगा। अभी हम आपको यहाँ पे मंदिर दिखाते हैं, आपको उनकी नक्काशी देखनी चाहिए, ये कितने प्यारे और खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं, और इन्हें बनाने में पता नहीं कितना समय लगा होगा, और ये देखिए आप इन पे जो नक्काशी की गई है पत्थरों पे किस तरीके से, ये देखिए आपको कलाकृति का बेहतरीन नमूना देखने को मिलेगा। और ये देखिए आप नीचे की साइड, यहाँ एक दो मंदिर नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये जर्जर हालत में हो, इनकी हालत और देखने में ये अभी भी काफ़ी सही दिखते हैं। नक्काश कर इनको बनाया गया है, और ये कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, और ये जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है अभी, और हो रहा है यहाँ पे, कुछ कुंड भी हैं, हम आपको भी वहाँ भी ले चलेंगे, और चलते हैं अभी पीछे के साइड से, हम आपको ये अभी व्यू दिखाया था सारे मंदिरों का। देखिए ये सामने ये बना हुआ है, और ये जलकुंड है, और इसके जस्ट सामने एक ये देखिए ये छोटा सा जलकुंड बना हुआ है, हालांकि इसका बरसात का पानी बहुत गंदा है, और ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए आप, ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी, आप वहाँ देख सकते हैं सामने कार्यरत, और ये देखिए सुंदर नक्काशी की गई है मंदिरों पर, इतना खूबसूरत लग रहा है ये देख, इसके सामने जलकुंड बना हुआ है, और ये सामने थका के बैठ गया बेचारा, काफ़ी थक गया है, ये देखिए आप ये दृश्य देख सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य।
यहाँ पे ऐसे टूट फूट के काफ़ी पत्थर पड़े हुए हैं। कुछ जो मूर्तियाँ हैं वो डैमेज हो चुकी हैं कुछ कुछ भाग। और ये देखिए, ये देखिए, हर किसी पे नक्काशी की गई है और इन छोटे छोटे पत्थरों पर भी। ये देखिए आप, अगर ब्लू आसमान से एकदम नीचे से देखते ही देख कितना शानदार लगता हुआ, ये देखिए आप, ये पूरा कितना बेहतरीन लगता है। और ये आप देख रहे हैं हमारे सामने मोर है और पक्षियों की चहचहाहट हो रही है। और यहाँ पे ये देखिए घास की कटिंग भी की जा रही है। और ये देखिए खूबसूरत सा गार्डन है यहाँ पे, ये काफ़ी सुंदर लगता है, काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप यहाँ पे आएँ तो आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं और समय बिता सकते हैं। अगर आप बटेश्वर आना चाहते तो आ सकते हैं, आपको बिल्कुल निराशा नहीं होगी कि आप कहाँ पर आए हैं। यहाँ की कलाकृति, जो पत्थरों पर नक्काशी की गई है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से की गई है। अगर आप यहाँ आने का मन बना रहे हैं विद फैमिली तो आप ज़रूर आएँ।